This trip report is from Advait. Substance name, weed. Setting he did the substance in. Was smoking with two friends at our local chill spot. His experience. So finally I have smoked weed for the first time in my life. मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लाइफ को लेके, एंड सच बताऊँ तो मैं बहुत डरा भी हुआ था वीड को ट्राई करने के लिए. मैं 19 साल का हूँ एंड मैंने रिसेंटली में ही फर्स्ट टाइम अल्कोहल ट्राई किया विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स. कुछ हफ्ते पहले मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने मुझे पूछा कि मैंने कभी वीड स्मोक किया है, जिसका मैंने आंसर नहीं दिया. हमारे स्कूल में सब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं एंड मैं खुद मेरे कुछ कुछ ट्रेड्स के वजह से कंप्यूटर नर्डिश ग्रुप में इन्वॉल्व हो गया हूँ. मुझे गलत मत समझना, वो सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर ये वो फ्रेंड्स में से हैं जो सिर्फ तुम्हारे साथ पढ़ाई या उसी रिलेटेड एक्टिविटीज से मिलेंगे या बातें करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नथिंग इन कॉमन. And everything goes slow once we are done about our academic life. किसी के पास कुछ भी नहीं होता है करने के लिए या बोलने के लिए. So, एक दिन मैंने सोचा कि अब बस हो गया. And मुझे भी देखना था कि स्कूल में सब किस बारे में बात कर रहे हैं, कि ये वीड होता क्या है. So, मैंने मेरे कॉलोनी के फ्रेंड जिसके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं उसे पैसे देकर बोला कि मेरे लिए भी वीड लेके आना. नेक्स्ट डे वो मुझे वीड लाके देता है एंड मीनवाइल मैंने मेरे एक और फ्रेंड को बोला था कि मेरे लिए दो जॉइंट्स लेके आना, बिकॉज ही सेड कि उसका एक फ्रेंड है जो प्री रोल्ड जॉइंट्स देता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी. बिकॉज मुझे लगा कि एक पैकेट में क्या होगा. एनीवेज सो मेरे पास अब एक पैकेट था एंड दो जॉइंट्स. सो मैंने मेरे कॉलोनी के ही दो फ्रेंड्स को पकड़ा एंड कहा कि आई हैव बॉट सम वीड, लेट्स गो टू अ स्पॉट एंड स्मोक इट. इन दोनों में से मेरा एक फ्रेंड था जो ओकेजनली वीड स्मोक करता था एंड सेकेंड दोस्त था वो मेरे जैसे ही फर्स्ट टाइम स्मोक करने वाला था. हम हमारे यूजुअल स्पॉट पे गए जो कि मेन रोड से बहुत दूर था एंड जहाँ कोई आता जाता नहीं था. वहाँ एक ओल्ड सोफा था जिस पे हम बैठते थे. वहाँ जाने के बाद आई शोड गाइज द वीड. सो जो फर्स्ट फ्रेंड था वो बहुत सही बंदा था. पैकेट के वीड को लेके क्रश करना एंड रोल करना वो उसका जॉब था, बिकॉज ये टाइम तक हम दोनों को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे करते हैं. बट वो रोल और क्रश करते वक्त हमको ये बता रहा था कि हाउ टू गेट द बिगेस्ट ट्रिप एंड हाउ टू गेट बिगर हिट्स एंड नॉट टू कफ वाइल स्मोकिंग. सो आफ्टर 5 मिनट्स माई फर्स्ट फ्रेंड लिट द जॉइंट एंड स्टार्टेड टू शो अस दिस इज हाउ यू स्मोक इट एंड पास्ड. वी स्मोक्ड एंड पास्ड एंड अगेन स्मोक्ड एंड पास्ड द जॉइंट. द स्टफ वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि जो मेरा फर्स्ट दोस्त था वो भी हमारे साथ साथ खांसने लगा था. एंड कुछ देर बाद मेरे दोनों दोस्त भंड हो चुके थे. मुझे अभी तक कुछ इफेक्ट्स फील नहीं हो रहे थे अपार्ट फ्रॉम कफिंग. मुझे मेरे दोस्तों से ज़्यादा टाइम लगा इफेक्ट्स फील करने के लिए, बट 5 मिनट बाद मुझे इफेक्ट्स डायरेक्टली फील होना चालू हो गए. स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये भी अल्कोहल जैसा है, सर घुमाता है, एंड मुझे वैसा फील भी होने लगा कि सब घूम रहा है एंड देन सब नॉर्मल हो जाता था. कुछ सेकेंड्स बाद अगेन सब घूमना चालू होता था एंड देन अगेन 5 सेकेंड्स बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता था. ये सब फील होते होते 5 मिनट हो गए एंड देन ये डिजी फीलिंग और इंटेंस हो गई एंड सब और ज़्यादा इंटेंसली डिजी होने लगा. मेरा फर्स्ट फ्रेंड हम दोनों से पूछने लगा कि क्या हो रहा है एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आंसर देने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है एंड राइट वर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए. सो मैंने कुछ ना कुछ बोल के चुप बैठ गया एंड सोचने लगा
कि वीड इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज इसके इफेक्ट सिर्फ सर घुमाते हैं एंड दैट वॉज इट. बट देन माई सेकेंड फ्रेंड सेड लुक एट द स्टार्स. इट वॉज लेट अराउंड 10 PM सो द स्टार्स वर क्लियर एंड एज आई लुक्ड एट द नाइट स्काई आई फेल्ट लाइक माई विजन वॉज वेरी क्लियर एंड हाउ एवरीथिंग अराउंड इज लुकिंग ब्यूटिफुल. सो मेरा सेकेंड फ्रेंड सोफा से उठ के स्काई को देख के गोल गोल घूमने लग जाता है एंड बोलता है यू मस्ट ट्राई दिस लुक एट द स्टार्स एंड स्पिन. सो आई गॉट अप एंड स्टार्ट डूइंग सो एंड इट वॉज इनक्रेडिबल. वो मोमेंट में ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरा यूनिवर्स मेरे साथ स्पिन हो रहा है एंड सब स्टार्स भी ट्रेल क्रिएट कर रहे थे. एंड कुछ देर घूमने के बाद मैं ज़मीन पे लेट जाता हूँ बट द वर्ल्ड वॉज स्टिल स्पिनिंग. मैं वापस से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था बट थोड़े देर बाद एवरीथिंग केम टू रेस्ट एंड आई वॉज काम अगेन. सो मेरा फर्स्ट फ्रेंड बोलता है लेट्स स्मोक द रिमेनिंग जॉइंट्स. आई एंड माई सेकेंड फ्रेंड सेड यस. सो एक जॉइंट खत्म होने के बाद मेरा फर्स्ट फ्रेंड बोलने लगा कि मेरा तो हो गया भाई, अब मैं ज़्यादा स्मोक नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत भंड हो चुका हूँ, मैं खड़े भी नहीं रह सकता हूँ. आफ्टर दिस मैं और मेरा सेकेंड फ्रेंड बाकी का स्टफ स्मोक कर लेते हैं. मैंने भी बहुत ज़्यादा स्मोक किया था बट मेरे ऑब्जर्वेशन से मैं ये तो कह सकता हूँ कि मैं मेरे फ्रेंड से ज़्यादा भंड नहीं हुआ था या मुझे ही ऐसा लग रहा था, पता नहीं. जैसे ही मैंने मेरा लास्ट हिट स्मोक किया मैं जाके ज़मीन पर लेट गया एंड स्काई को घूरने लगा. वो मोमेंट मेरे लिए सबसे प्यारा मोमेंट होगा वो रात का. मैं रात को मेरे आंखों के सामने गुजरता हुआ देख रहा था एंड मैं चाहूँ तो भी मेरी बॉडी हिलने को तैयार नहीं थी, जैसे मेरे पूरे बॉडी पे एक भारी सा ब्लैंकेट किसी ने रख दिया हो. थोड़ी देर बाद मेरा सेकेंड फ्रेंड को क्या हुआ पता नहीं बट वो उठ के मेरे सर्कल्स लगाने लगा एंड वाव वाव कंटिन्यूसली रिपीट करने लगा. मेरे फ्रेंड का आवाज़ एंड वो वर्ड वाव ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरे दिमाग में कोई साउंड एको हो रहा है, जहाँ वो वाव साउंड मेरे ब्रेन से क्रिएट होके माइंड में जाके वापस से ब्रेन में आ रहा हो. एंड हर बार मेरा फ्रेंड वाव बोल रहा था मुझे उसके साउंड से वार्म्थ फील हो रही थी. जैसे जैसे मेरा फ्रेंड मेरे सर्कल्स कर रहा था इट फेल्ट लाइक आई वॉज फीलिंग हिज हीट समहाउ. साउंड वियर्ड आई नो बट आई फेल्ट दैट. एंड थोड़े देर बाद मुझे सिर्फ उसके वर्ड ही सुनाई दे रहे थे बट मैं ये सब होते हुए सिर्फ स्काई को देख रहा था. एंड इन दैट मोमेंट एवरीथिंग फेल्ट गुड. द व्यू ऑफ द स्काई, द साउंड ऑफ माई फ्रेंड सेइंग वाव एंड मी जस्ट लाइंग देयर. सो फाइनली आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ अस प्लेइंग अराउंड विद ईच अदर वी डिसाइडेड वी शुड लीव एंड वी वॉक बैक साइलेंटली टू आवर बाइक्स. एंड माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ड्राइविंग बट दैट ड्राइव फेल्ट लाइक इट वॉज द बेस्ट नाइट एवर. हाउएवर व्हेन आई कंसंट्रेटेड ऑन द रोड इट फेल्ट लाइक वी हैव अराइव्ड बट एवरी टाइम आई थॉट अबाउट इट माई हाउस वॉज फार. बट देन अबाउट ऑफ 10 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग वी रीच्ड आवर होम एंड आई स्लेप्ट एट माई सेकेंड फ्रेंड हाउस दैट डे सेइंग वी हैव एन असाइनमेंट टू कम्प्लीट टू माई पेरेंट्स. दे अग्रीड एज वी लिव्ड इन द सेम बिल्डिंग बट स्टिल व्हेन वी रीच्ड आवर फ्रेंड हाउस वी वर वेरी हाइपर एंड लॉस्ट. But we went into the house, took food and went into his room, saying, we are studying, we came to his room and hum hasne lage. And then we ate and baate karte karte kab so gaye, mujhe kuch yaad nahi hai. Dusre din hum uthe, main mere friend ko bye bolke mere ghar pe chala gaya. And to be honest, I felt very relaxed.
and felt like I have lived many years in that 1 or 2 hours. I felt joyed and happy and felt like I can achieve any goal in my life, whether it is related to studies or my career. I will definitely smoke again, but it was the one of the best experience in my life and I loved it. Thank you for sharing your story with us, Advait, and thank you everyone for watching and listening. And always remember, peace, love, unity, respect. Bye bye fellow travelers, see you on the other side.